मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सीडेंट था, ये नहीं कहूँगा कि हिट एंड रन थी, ये मर्डर था। सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए। उनके घर पे पहले बुलडोजर लेके जाओ। उस दिन भी मैं मिल चुका हूँ, आज भी, लेकिन देख नहीं पाते। मुंबई के वर्ली में शिवसेना शिंदे गुट नेता के बेटे मिहिर शाह द्वारा BMW कार से दंपति को टक्कर मारने के मामले में BMC ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि नगर निगम के अधिकारियों ने जूहू स्थित वाइस ग्लोबल तापस बार के अवैध हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और कर्मचारियों ने बार में तोड़फोड़ भी की। दरअसल इसी बार में आरोपी मिहिर शाह आया था। आरोप है कि उसने इसी बार में शराब पी थी। इससे पहले इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार किया। दरअसल रविवार को वर्ली इलाके में यह हादसा हुआ और इस हादसे में कावेरी नखवा नाम की महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति प्रदीप नखवा घायल हो गए थे। उस एक गलती की वजह से आज एक परिवार टूट गया। ये तस्वीरें देखिए, जहां प्रदीप अपने जीवन साथी की याद में रो रहे हैं, तो वहीं ये बेटी जो आज भी अपनी मां को याद कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन परिवार अब भी न्याय की गुहार लगा रहा है। इस बीच शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे मृतका कावेरी नखवा के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। मैं और असलम शेख जी दोनों यहाँ आए हैं। उस दिन भी हम FIR में वहाँ जब वो दाखिल कर रहे थे, और हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले। जो मिहिर राजेश शाह है, जिन्होंने इनकी पत्नी को मर्डर किया, इनके पत्नी का, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सीडेंट था, ये नहीं कहूँगा कि हिट एंड रन थी, ये मर्डर था। और मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए, जो बुलडोजर जस्टिस हर जगह ये रेजिम देने की कोशिश करता है। उनके घर पे अभी करके दिखाओ। BMC कार्रवाई कर रही है, प्रोडक्ट कार्रवाई कर रही है। नहीं, BMC किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है, रास्ता जिसने बनाया, सीलिंग जिसने बनाया, लेकिन मिहिर राजेश शाह पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये BMC ने जवाब देना जरूरी है। उनके घर पे पहले बुलडोजर लेके जाओ। अब तो CCTV वगैरह कुछ किसने, जी बिल्कुल, उन्होंने न्याय की मांग की है, लेकिन उनके आंखों में अगर आप देखें तो उसी दिन की मेमोरीज दिखती है, गुस्सा दिखता है और दर्द दिखता है। और उस दिन भी मैं मिल चुका हूँ, आज भी, लेकिन देख नहीं पाता।